हाय गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉट स्किलोडर के एक और स्पेक्टिसिज्म आइज वाले टाइप के वीडियो में या टाइप के सेशन में। अभी जैसे आप लोगों को मालूम होगा इनोवेटिव चेंजेस लाए हैं नॉट स्किलोडर पे। ये अपने टाइप का पहला वीडियो है जो पहले पूरा हिंदी में प्ले होगा और फिर इंग्लिश में भी होगा। लोगों बने रहो ताकि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझे। अब गाइस मैं बात करता हूँ स्पेक्टिकुलर आइज की। अब स्पेक्टिकुलर मतलब किसी भी चीज़ पे डाउट करना, किसी भी चीज़ पे देखना, सोचना, समझना और उनके तरफ से पर्टिकुलर चीज़ें जे समझना, नहीं समझना, रिस्पॉन्स करना और आइज जो उसको शार्पली देखेंगी, ऑब्जर्व करेंगी और फिर सोचेंगी। इस टाइप से ओवरऑल चीज़ें स्पेक्टिकुलर आइज के सेशन में मतलब टाइप के वीडियोज में आप लोगों को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे होगा, तो वैसे ही इस बार भी मैंने थोड़ा बहुत तब सोचा इस बारे में और मुझे अपना एक एक्सपीरियंस मिला। बात ऐसी है कि हुआ ऐसा कि मेरे को मैं घर पे सफाई वगैरह चालू थी, तो वहाँ पर मैंने अपनी एक घड़ी थी जो मेरे को पसंद थी, तो उस घड़ी को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कबर्ड में रखूँगा। अब गाइस हुआ ऐसा कि मुझे बोला गया कि आप उस कबर्ड में रख दो, तो घड़ी को कुछ दिनों बाद देखते हैं अपन। लेकिन कुछ दिनों तक वो घड़ी उस कबर्ड में रही। वो घड़ी मेरे को पसंद थी और इसलिए मैं चाहता था कि मैं उसकी सेफ्टी बनाए रखूं। हुआ ऐसा, मैंने रख भी दिया, कुछ दिनों बाद निकाला, वो सेफ थी। लेकिन बात आई थी कि वो गंदी हो गई थी। तो हुआ ऐसा था कि उस पर एक छिपकली ने कर दिया था, गंदा कर दिया था इन शॉर्ट। ये हुआ और इस एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि वैसा हुआ तो हुआ क्यों। हालांकि घड़ी साफ करना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट की बात है, घड़ी साफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है उस कबर्ड के दरवाजे की, क्योंकि उस कबर्ड का जो दरवाजा था वो ढीला था और जिसके वजह से जैसे मेरी घड़ी को नुकसान पहुँचा, मतलब वो छिपकली अंदर घुसी और इसकी वजह से वो छिपकली वहाँ पे गंदा भी कर दी। तो अब बात आती है कि ऐसा मतलब ये तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, अपनी चीज़ें अपन रखते हैं नहीं रखते हैं, थोड़ा बहुत गंदगी वगैरह फैलती रहती है, तब मैंने इसमें क्या जाना। गाइस ये तो बात छोटे लेवल पे थी, लेकिन अब जब बात बड़े लेवल पे आ जाती है तो मॉरल ये निकल के आता है कि कभी भी आपको जो चीज़ें पसंद है, कभी भी उस चीज मतलब अगर आप अपनी कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको कभी भी उनके हाथों में मत दो जो कि यहाँ पे जो कि गैर जिम्मेदार है, जो कि आपकी तरह उस चीज़ों की वैल्यू ना करे, तो नुकसान आपको होगा अगर बिकॉज वो वैल्यू नहीं करते। अब जैसे इस केस में मैं इंडिविजुअल हूँ, मतलब मेरी फेवरेट चीज़ घड़ी है जिसकी सेफ्टी मुझे करनी है, लेकिन उस घड़ी पर इनकी सेफ्टी के लिए मैंने भरोसा किया एक कबर्ड पे, जिस कबर्ड में इतनी ताकत ही नहीं थी या इसका दरवाज़ा इतना कम ताकतवर नहीं था कि वो एक छिपकली को रोक सके, या कोई भी वो दरवाज़ा इतना कमज़ोर था उस कबर्ड का कि अगर कोई उसको हाथ मार के या ज़्यादा जोर आजमाइश लगाई जाए तो आसानी से टूट जाएगा। ये गलती मैंने की। मैंने ये जाना कि कैसे आप अगर मुझे किसी चीज़ पर भरोसा है तभी मैं उसको उस आदमी को उस चीज़ को अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। आप भी इस बारे में सोचो और अगर ऐसा कुछ केस है कि आपकी फेवरेट चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसे के आदमी के हाथ में है जो गैर जिम्मेदार है, जो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता है या जो आपको वो नुकसान पहुँचाना चाहता है, या तो इस टाइप की चीज़ों पर सोचो। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो जरूर उस इश्यू को सॉल्व करो। इसी के साथ गाइस अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, थैंक यू आप लोग यहाँ पे अब तक के बने रहे। अगर आप लोगों को नहीं समझा है अब तक के कि क्या हुआ है पूरा हिंदी में, तो इंग्लिश वाला भी अभी शुरू होने वाला है अटैचमेंट वीडियो में, तो बने रहो। सो गाइस टुडे आई वेलकम यू टू स्पेक्टिकुलर आइज ऑफ नॉट स्किलोडर। नाउ गाइस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्टिकुलर आइज, then spectacular here means the person or the thing which will observe, which will think on it and then react on it. And eyes are here refers to one of the sharp
thing which will see all the things clearly and give a good decision. Now guys, in Speculator eyes, I have promised that I will discuss you some of my experiences, and I will try to suggest you some of the unique moral from my daily experiences. So now guys, as I have tell you that this is one of the first video from Not Reloader of Speculator eyes. So yes, you're honorably welcomed. Now guys, it is one of the previous day's task when my house was just too clean and I have to perform a cleaning task with my family. Now guys, as we are performing the cleaning task, I got my old watch which is pretty good and little bit working condition. Now guys, my family recommended that you must keep this watch into the cupboard so it could be safe and when you want it, you may could get it back when you want. Now I thought that it is now in that time that was the task of cleaning. So I thought that this watch may be misplaced. Maybe there may be other possibility that this watch could get damaged. So as per my family recommendation, I put my watch into the cupboard. Now at that moment after cleaning task, I forgot to take that watch again, and few days the watch was inside the cupboard. Now after few days, when I recalled that I have watch and I have kept in the cupboard, I go to check that watch. Now when I check that watch, I check that the cupboard's door was not properly maintained. I mean the cupboard door was little bit uneasy and little bit disturbed. So anybody could attack the door sharply, so it could be easily broken. And when I opened the cupboard, then I see that the wizard has done the peel on the watch. That's why the watch was dirty. Cleaning of the watch is something very much small thing, which can be done by anyone and which could be done by easiest way from anybody's sides. So guys, I have cleaned the watch and now that watch is one of the safe side. Now guys, the lesson, now this could be happened with anyone, with me also, with you also. The lizards like animals are small type animals which could go anywhere and just do lot of things to dirty your things. So guys, what lesson I have learned? Now here comes the thing that what is happen now, it is with the connected with the responsibility which the cupboard has to do to protect my protect my watch from the lizard. Now talking about the cupboard side, I am one of the person who loved my watch so much, and I have given the responsibility of the cupboard to the cupboard that you will protect my watch from dust, from these animals, and it was unsuccessful to do so. Now the lesson was learned as never trust someone who does not value your things or does not irresponsible for the things which you love. Guys, here I am an individual user. I give responsibility to the cupboard to protect my watch, and it was a non-living thing and hence it was unsuccessful. Now in the real-time conditions, there are the conditions where you have to go to the third-party persons to protect your the things which you love, like your money, like your children, like your loving ones. So just guys, think before you give responsibility to the third-party persons to take care of your loved ones, because guys, that third person's son or thing must be responsible and must be valuable towards the things which you love. So guys, if that person will be loved, is that person having the value and responsibility towards your loving things, then your loving things would be safe. Otherwise, danger could arise in any manner. So think on it and just take a wise decision. And if you have done something in past like this, so think one of you, that third party person is responsible or not. With this guys, here we are end up with the video. Hopefully you have understand all the video completely, and with this guys, we will meet in next video, and till then subscribe to our channel, like to this video, and be with us with more videos of Not Reloader, and please give us a thumbs up.
तो यार ये था ओवरऑल वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। हमारे चैनल को लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़रूर बने रहो, कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहो, पता चलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, तो बने बस बने और बने इंग्लिश सेशन के लिए भी।